और मेरे ख्याल से खलील साहब पहली दफा मेरे शो पर आए हैं. हाँ, खलील साहब पहले और कभी नहीं आए मेरे शो, पहली दफा आए. अभी इन दिनों में मुझे शो, इन्हीं दिनों मुझे शोज पर जाने का शौक शुरू हुआ है. और रिसेंटली कुछ ज्यादा हो गया, तुमसे आवाम से डायरेक्ट इंटरेक्शन ना, पहले इसके खिलाफ थे. लेकिन अच्छा लग रहा है, कैसा लग रहा है आवाम से डायरेक्ट इस तरह मिलना जाते हैं? अच्छा लग रहा है. यूनिवर्सिटी कॉलेज बॉस खरीद साहब कैसे बने आप? जानना जरूरी हो गया अपने लोगों को. उनकी नब्स पर हाथ आएगा तो वो लिखेंगे हम जो वो चाहते हैं. Exactly. कितनी अच्छी बात है. खलील साहब कैसे बने राइटर? आप कैसे दिमाग में आया कि ये मुझे प्रोफेशन अपनाना है? निदा, बीसियों दफा कह चुका हूँ, मुझे तो पता ही नहीं था मैं राइटर हूँ. आई वॉज बॉर्न राइटर. और या फिर मुझे पता था कि मैं राइटर हूँ. अच्छा, देर इज नो चेंज इन लाइफ. मुझे याद पड़ता है 6 साल का खलील रहमान कमर भी ऐसा ही था. नहीं भाई, इतनी मैच्योर सोच रख रहे हो. आई स्वेयर, मैंने अपनी कहानियां जो 7वीं जमात में जब मैं पढ़ता था तो छपता था मैं. हाँ. और बहुत छपता था. तो 7वीं में जब मैं था तो एक्चुअली मैं छठी में था, क्योंकि मैंने डबल प्रमोशन लिया हुआ था. पढ़ाई में अच्छे थे आप? ओह, आई वाज अ वंडरफुल स्टूडेंट. अच्छा, तो मैं छपता था और मैंने मुझे कहीं मिल गए वो अखबार किसी ने. हाँ. यहाँ मेरे एक दोस्त हैं, उन्होंने मुझे दिए. हाँ. मैं उसको पढ़िए देखिए तो सही. हाँ. उसमें खलील-उर-रहमान कमर का तो कोई कमाल ही नहीं है भैया, वो तो अल्लाह की देन है. राइट फ्रॉम द बिगिनिंग. लेकिन जब आप 6 साल के थे तो कौन छापता था? अम्मी अब्बू? नहीं, मैं जब 7वीं जमात में था. जी जी. उस वक्त तो 6 साल का नहीं था. बट व्हेन आई वाज 6 या 7 इयर्स तो मैंने पहला शेर कहा था. शेर कहा था? बेसिकली आई एम अ पोएट. तो निदा, तुम नहीं जानती हूँ, मेरा इतना मशहूर गाना है तेरी आंखों के दरिया का. मुझे पता है, लेकिन तो मुझे क्या पता कि 6 साल में बच्चे ने नहीं, वो मुझे क्या पता कि 6 साल में बच्चे ने शेर कह दिया. सात साल शेर मैंने 7 साल की उम्र में कहा. अच्छा. खत मैंने 6 साल की उम्र में लिखा. अच्छा, किसी लड़की को देख के कहा था शेर? नहीं नहीं, मेरे कजन की डेथ हो गई थी. अच्छा. एंड आई यूज्ड टू, हम जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहते थे. हाँ. और वी यूज्ड टू लव हिम सो मच. तो उसके लिए कहा था वो, कुछ ना रह सका जहाँ, वीरानियां तो रह गई, तुम चले गए तो क्या, कहानियां तो रह गई. क्या बात. तो वहां से आपको पता चला कि आपके अंदर कोई ऐसी नहीं? पता क्या चला? पता तो मुझे जब होश संभाला मुझे पता था. ओए होए, आई वाज अ वेरी गिफ्टेड गाय, आई न्यू इट. अच्छा, नहीं वैसे घर में जो है सारे घर में बहुत मार पड़ी है मुझे लिखने लिखाने पर. हाँ. चोरी लिखता था मैं बैठ के, और फिर वो पकड़ा जाता था तो मार पड़ती थी. हाँ. मेरे घर वालों की कोई सपोर्ट नहीं है. साफ बाप बांगे दोहल कहता हूँ. हाँ. अभी तक नहीं है? नहीं, अब तो